निकलते हैं और नन्नू को लेके आते हैं और देखते हैं उसका कैसा हालचाल है। कल तो आपने देख लिया था व्लॉग में कैसा है वो। आज उसको कल मैं गया था उसके पास, तो मैंने उसकी मम्मी को बोला था अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना। मैं नहीं बोले आते ना पता पा ए पंप है यही 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 है। गरीब बच्चा भी देखे गरीब नहीं तू अमीर है तू अमीर बेटा। आज हमारे काम बहुत ज्यादा रुके थे क्योंकि नन्नू बीमार है और आधे घंटे बोलता बेटा था हमारे इसलिए थोड़े से लेट हो गए। राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? बहुत समझ होंगे, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बी एक्स ब्लॉग्स। जैसे कि आपको पता है इन्होंने बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट था वो, तो उसको लेने के लिए जा रहे हैं आज। कल मैं जिम गया था, जिम पे मुझे कॉल आ गया उसकी मम्मी की उसकी छुट्टी होगी अभी तो आ जाए जल्दी जल्दी। तो लाइट भी नहीं थी घर पर, फिर फ़ोन भी चार्ज नहीं था, फ़ोन तो अभी चार्ज नहीं है बट और ना ही मेरे पास चार्जिंग है जो इधर लगती है इसमें दूसरे चार्जर लगता है कोई। तो भाई बात कर रहे थे कि नन्नू को लेने जा रहा हूँ फिलहाल और उन्ना में पहुँचना है। अभी थोड़ी देर पहले घर से निकला हूँ, मुबारकपुर में पहुंचा अभी। नन्नू को लेके आते हैं और देखते हैं उसका कैसा हालचाल है। कल तो आपने देख लिया था व्लॉग में कैसा है वो। कल मैं गया था उसके पास, तो फिर मैंने उसकी मम्मी को बोला था अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना, क्योंकि अपना रिंकू भाई भी उन्ना में ही है तो उसको कॉल कर देंगे कोई काम होगा तो। वैसे तो कुछ हुआ नहीं ऐसा और ठीक रहा सब। उन्होंने बोला आके जल्दी इसको मतलब लेने आ जाओ जल्दी, हॉस्पिटल वाले ज़्यादा देर बैठने नहीं देते वहाँ पे कि छुट्टी होगी तो चलो वहाँ से निकलो ऐसा करते हैं। तो बाकी ठीक है जा रहे हैं भाई और अकेला ही हूँ आज तो। कल तो दीदी गए थे साथ में, आज तो अकेला ही हूँ और जाके मिलते हैं आपको नन्नू से, हो जाएगा जल्दी ठीक फिर व्लॉग्स में लिया करेंगे उसको दोबारा से। फिलहाल आज लेते हैं चल के और देखते हैं कैसी हालत है उसकी। तो बड़े चलो तो भैया निकलते हैं, अब निकल तो गए चलते हैं तो नन्नू को लेके आते हैं चल के। कल जब मैं उसको लेने गया था तो बता रहा था मुझे क्या हुआ उसके साथ, गया नहीं बोला था भाई मैं तो खाली पेट गया था इसलिए मेरा ऑपरेशन हो गया जल्दी। अगर खाली पेट ना होता तो टाइम देना था उन्होंने मुझे कि दो तीन दिन चार दिन बाद आ जाओ और फिर ऑपरेशन हो जाना था। और बता रहा था भाई बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस होता है ये। देखो भाई आगे बारिश, मुझे लग रहा है उन्ना में बारिश हो रही होगी पक्की बात है। ये देखो भाई बादल कैसे काले बने एकदम से और इधर धूप है उधर बारिश हो रही है। आगे बारिश हो रही होगी तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कल से गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाकी मैं बता रहा था आपको कि नन्नू ने अपना एक्सपीरियंस बताया मुझे कि भाई बहुत ही मतलब कि ऐसा गंदा एक्सपीरियंस होता है ना ऑपरेशन का, छोटा ऑपरेशन हो चाहे बड़ा ऑपरेशन, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। वो बता नहीं सकता ऐसे ऐसी चीज़ें उसने मुझे बताई है कि क्या हो रहा था। वो ये बोल रहा था कि जो ऑपरेट कर रहे थे ना वो, तो मुझे स्क्रीन में दिखाई दे रहा था सब कुछ और मेरी लोअर बॉडी सारी मतलब उन्होंने सुन कर दी थी और सिर्फ मेरे जो मेरा फेस था सिर्फ वो ही ठीक था, बाकी नहीं पता चला था उसको कि क्या हो रहा क्या नहीं। पाइप जो होती है वो इधर मतलब कि होल करके पेड़ के साथ होल करके उसके बीच में डाली गई थी, बड़ा कुछ बताया भाई उसने। तो भाई ऐसे नहीं हो जाते ऑपरेशन, बोल रहा था कि मम्मी ने मुझे बोल दिया कि करवा ले कुछ नहीं होगा बस ऐसे तुझे इंजेक्शन लगाएंगे सुन करके तेरा हो जाएगा ऑपरेशन जल्दी। बोला झूठ बोला उन्होंने मेरे साथ। तो ऐसे ही होता है भाई, सच तो कोई भी नहीं बताता बट ये है कि चलो भी होगा कि ठीक तो हो गया ना, ऐसे रोज रोज दर्द पड़ रही थी उसको उससे बढ़िया हो गया कि चलो एक बार ऑपरेट हो गया और चलो हो जाता पर ठीक हो गया। अब ये है कि अब जिम स्टार्ट करेगा वो भी दो तीन महीने रेस्ट के बाद। देखो भाई बस बारिश हो रही हो यही है, मौसम तो है पर बारिश हो रही हो बट इतना ही चाहते हैं कि मौसम भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। चलो तो अकेले ड्राइव करने में क्या है, गाने सुनते रहो और गाड़ी चलाते रहो बस यही है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रक के पीछे लाइन देखो भाई कितनी बड़ी लगी है, देखो भाई ये देखो ये मन करे तो लग गया गाने की लाइन लिखी हुई है ट्रक के पीछे, ट्रक बिल्कुल एकदम एक नंबर से जाए तभी तो लिखी हुई है ये लाइन अंदर है। तो भाई जो चीज़ चाहिए थी वो होगी, बारिश लग पड़ी है और मौसम एकदम ऐसे अंधेरा सा हो गया देख सकते हो आप भाई। अभी तो थोड़ी थोड़ी लगी है, जोर से लग पड़ेगी मुझे लग रहा है थोड़ी देर में, बड़ी ज़रूरत है बारिश की क्योंकि देखो लगती है कि नहीं पूरी तरह से। हेलो तो भाई पहुँच गए उन्ना में और चलते हैं सीधे नन्नू के पास, दो मिनट में नन्नू के पास होंगे हम, दो मिनट बहुत। देखो वो देखो कैसे निकल रहा है आगे से, कुड़ियाँ बढ़ा के इतना निकल देना पीछे भैन जरा ड्राइवर ने। फोन भी बंद होने वाला, 4% बैटरी लगी है और मिलाते हैं चल के नन्नू से, फ़ोन बंद नहीं हुआ था आपको मिला देंगे, थोड़ी बहुत क्लिप तो ले लेंगे विद इन दो मिनट में पहुँच जाएंगे। दो मिनट बता देते हैं आपको हॉस्पिटल। ये आ गया इलाइट, ये भाई इलाइट
इधर ही गाड़ी पार कर देंगे कि बाहर ही लाइट के बाहर अंदर है पार्किंग, अंदर ही ले चलते हैं अंदर ही। वो खड़े उसकी मम्मी, ठीक है ना? ठीक है, दर्द हुंदी है? हां हुंदी है। कट बार में किन्नी का दर्द हुंदी? बहुत पैंदा दर्द है हुंदी है टांके दी। अच्छा टांके दर्द? क्या टांके खुलाने थोड़ी है ना? खुलाने हैं 10 दिन बाद। खुलाने भी पेने नाल? तू पहले बोल दे दो ही आने। ओ दूरबीन वाला कितिया ना होनी और दुआ कितिया हुंदा ओ रचिया दे अंदर पीछे गले सीट है कर जगह पीछे कर दे नहीं है सीट पीछे गले अड़गन कर लो बड़ी जगह है पीछे पीछे बैठने रहा उन्होंने। The next day मैं राम राम से देखो कैसे आप सब। जैसे कि आपको बताया कि संडे का मेरे घर पे थोड़ा सा फंक्शन है, मेरा मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, वहाँ पे झंडा चढ़ाना है और जग करना है मंदिर में, भंडारा करना है। तो बुआ जी और सभी को बुलाया है हमने, तो वो आ रहे होंगे सब और हम भी हो जाते हैं रेडी। दीदी घर के सभी मेम्बर्स नहा लिए हैं और सभी डरना रेडी होने वाले, हम भी रेडी हो जाते हैं। बेटा आज हमारे काम बहुत ज़्यादा रुक गए थे क्योंकि नन्नू बीमार है और आधे घंटे बोल तक देता था हमारे, इसलिए थोड़े से लेट हो गई। और ये हमारे कुर्ता पजामा भी हम डालेंगे आज, रेडी होके करते हैं बात। पहले कुर्ता पजामा डाल लेते हैं फिर आपको मिलाएंगे सभी से। वही जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो झंडा चढ़ाता है, या जिसका मन हो खुद से वो झंडा चढ़ा जाता है मंदिर पे। तो हर महीने मतलब मंदिर में झंडा चढ़ता है और जग होता है। तो आज हमने बोला था मंदिर में कि हम झंडा चढ़ाएंगे तो हमारी बारी आज, तो चलते हैं जल्दी जल्दी रेडी होके। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जो ये मंदिर बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति बनी है यहाँ पे चढ़ेगा। सभी दोस्तों को बोल दिया सब आ रहे होंगे, तो चलो भी रेडी हो जाते हैं। हमने नहीं बोले, दीदी ने बोला है, जीजे जी का कॉल आया था कि दीदी को कि ऐसे ऐसे मंदिर में आप भी झंडा चढ़ा दो क्योंकि जीजे तो बाहर है, दीदी इधर है। तो दीदी को बोल दिया था, कॉल आ गई थी दीदी को, तो आज दीदी चढ़ा रहे झंडा। वैसे हम मतलब मेरे बोलने का मतलब दीदी, हम नहीं दीदी, दीदी की तरफ से चढ़ रहा है झंडा और दीदी भंडारा करवा रहे हैं। चलो तो उधर तैयार रेडी, बट नन्नू नहीं होगा तो काम थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि वो आधे काम तो वो संभाल लेता है हमारे, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट चलो कोई बात नहीं, इस पर करके देखते हैं नन्नू के बिना भी काम कैसा होता है। चलो तो भाई मंदिर चल के देखते हैं क्या सीन पानी है, कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। जो जो नहीं आया होंगे उसको कॉल कर देंगे, जो जो नहीं आया होगा उसको कॉल कर देंगे। बाकी ये मंदिर है, यहाँ पर झंडा चढ़ेगा, ये देखो पहले भी दिख रहे होंगे आपको चढ़े हुए झंडे। और चलते हैं बाकी एक दो चीज़ और लेके आने घर पे, पर मंदिर चलते देखते क्या क्या काम हो गया है, बन रहा व्लॉग में ऐसे भी। वो तो भाई रेडी हो गए हम, तो मम्मी भी रेडी हो गई, दीदी भी रेडी हो गई, रेडी ये जरा मंदिर में। बाकी नोना आ रहा है सब आ रहे हैं, फिर झंडा लेके चलेंगे मंदिर को। पहले पहले चूड़ी बन मम्मी ने सहेलियाँ खाएंगे नहीं, मम्मी थोड़ी सहेलियाँ तो कोई आई नहीं, मम्मी की पहले जी व्लॉग तो ना लिया ना, मम्मी शांत हो गई। फुल क्या करने फुल इन तुसी अस बाल्टी यूज पाने यार कच्ची लस्सी वास्ते तो इधर ना दीदी यार कमर दे जरा चलो चलो कर देना। चलो तो भाई जाने के लिए हो गया रेडी, कच्ची लस्सी मिली है, बाकी सब खड़े उधर। एक दो अपने घर वालों का इंतजार हो रहा मनु उन्हों का, और एक दो और घर वाले हमारे फिर चलेंगे। Thank you.
तो भाई उन्होंने की खबर लेते हैं चल के मंदिर तो हो गया काम, खाना खाना करना बाकी रह गया, खाना खिलाना वो करण खिला देगा, क्यों करण ही गया। चलते हैं नन्नू की खबर लेते चल के बंदे को, कल ले आए थे उसको जाके हॉस्पिटल से, कोई बुलट कौन ले आया? अच्छा उसका बुलट है, ठीक है ओके। किधर उठी गया? चलो तो फिर वीडियो चले लेना, ठीक है लेना पड़ना भाई मैंने बिना करना की है। और ताई ठीक है ना? ठीक है बोले तो लटन लगे बाबा ठीक है ठीक है बस बस बस। और क्या हाल चाल? ठीक है बोला कड़ी वाली बीज पा ली गरीब नी तू अमीर है, तू अमीर है, तू भी तो गरीब। जसवाल जी अपनी अपनी वाइफ के साथ खड़े हुए हैं, जसवाल जी खड़े अपनी वाइफ के साथ, मनु भी खड़ा है, सभी की वाइफ आ गई है, कमरा में छोड़ के क्या बच्चा सभी कहेंगे सभी की वाइफ आ गई। उधर तो बच्चा लेके खड़े भाई, हमारे बच्चे लेके खड़े हो गए। मैं क्या बोला, मैंने सभी की वाइफ आ गई कमरे छोड़ के, बस थोड़े टाइम के बाद ऐसे बच्चा हो गया हमारे भाई, क्या तुम्हें जैसे लेके खड़ा ये इधर ये प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस कर रहे बच्चे संभालने की प्रैक्टिस। आइए चलिए अंदर आ जा, चलो चलो। और भाई ठीक है? ठीक है लो तो भाई कई बंदे इधर भी बैठे हैं अंदर कतार में बैठे हमारे तीन सदस्य। ठीक है और भाभी जी, भाभी है भाभी बोलना ना भाभी भाभी और भाभी ठीक हो? हाँ हाँ क्या हो गया? आजा इधर इधर, मनु मनु ने फटी आना, मैंने मनु क्या गलो दी प्रैक्टिस होती न्याणे चकने थकी है बड़ी जल्दी थकी है, दोनों पकड़ ले इधर ब्लॉक में रो रहे हो आप? और ये देखो सामने हमारे बंदे लगे हैं, बिना बोले काम करते हैं हमारे बंदे। देखो पहले हम भी ऐसे लगे रहते थे, तो बड़े हो गए हम थोड़ा, अभी हमारा जो काम इन्होंने संभाल लिया बंदों ने हमारे, ये देखो ऐसे लगे सब काम कर रहे हैं। की भाई ला भाई नोने भाई मेरा तेरा जी नहीं लगता है भाई। और भाई मैं नोने बोला, मैं नोने भाई मेरा जी नहीं लगता चकले दोनों चकले ए, गलत गल है भाई, उधर उधर भेजती नहीं। चलो चलो इनी बारी हूं ओमनेश की बारी आई हूं चकू रहन दिया चक इंज भेज दी भी पिछे पिछे चली जाए दोबारा दोबारा एक बारी ओ एक बार फिर ले